Eve of a breed. देखिए शहीद अजय जी, देखिए कल शाम को जो एक दुखद जो वाका हुआ जिससे हमारे दिल अभी तक दुखी है, एक सरपंच जो एक ग्राउंड लेवल का वर्कर था, पॉलिटिकल वर्कर था, उसको कल इस बात की सज़ा मिली क्योंकि वो उस इलाके में लोगों की खिदमत कर रहा था और वहाँ जो छोटे छोटे काम थे जो एक सरपंच कर सकता था, कहीं ड्रेन बनानी हो, कहीं किसी गली की मरम्मत करानी हो, और जो वहाँ लोगों की बहबूदी के लिए काम कर रहा था उसको उसकी सज़ा दी दहशतगर्दों ने, क्योंकि दहशतगर्द नहीं चाहते कश्मीर फिर डेवलप्ड हो और कश्मीर में अमन हो, और इसलिए उनको उसकी सज़ा दी गई। और दूसरी बात, मुझे लगता है कि जो पिछले दिनों जो आर्मी और पुलिस और सिक्योरिटी फोर्सेज का जो प्रेशर जो ढूंढ ढूंढ के जिन्होंने दहशतगर्दों का पीछा किया, उनको मार डाला और बड़ी जो ऑपरेशन हुई वो बहुत कामयाब हुई, मुझे लगता है उसकी रिफ्लेक्शन है, फ्रस्ट्रेशन है, क्योंकि वो अब खत्म होते जा रहे, दहशत का अंत अब बहुत करीब होने जा रहा, उसका एक ये फल। और दूसरी बात, मुझे लगता है ये बहुत बड़ी साजिश है, क्योंकि कश्मीरी पंडित जो हमारे समाज का अहम तरीन हिस्सा जिसके बगैर कश्मीर इनकम्प्लीट है, और आहिस्ता आहिस्ता जो अब कश्मीर में यहाँ वो आना शुरू हो गए थे, और वो कश्मीरी समाज जो यहाँ कश्मीर के लोग हैं उनकी बहबूदी के लिए काम कर रहे थे, एक सोची समझी साजिश के तहत कश्मीरी पंडितों को वापस यहाँ से भगाने के लिए दहशत और उनके आकाओं ने कल ये गेम खेली और उन्होंने अजय भारती को शहीद कर दिया ताकि खौफ और डर का माहौल रहे और कश्मीरी पंडित वापस कश्मीर ना सके। तो गवर्नमेंट का इशू है, गवर्नमेंट को जितने भी हमारे पॉइंट सरपंच है इनको सिक्योरिटी प्रोवाइड करनी चाहिए, खासकर उन इलाकों में जहां अभी भी दहशत का असर है, जहां अभी मिलिटेंसी है, उनको सिक्योरिटी करनी चाहिए। अगर ऐसा कहीं अजय जी ने गवर्नमेंट से सिक्योरिटी मांगी थी तो उन्होंने नहीं दी, मुझे लगता है कि ये बहुत बड़ी नाइंसाफी, और इसके इस हत्या के हकदार वही है जिन लोगों को उन्होंने अप्रोच किया और उन्होंने सिक्योरिटी नहीं दी। और ऐसा जिसे शहीद अजय जी और भी हमारे सरपंच है जो थट बजे रहे, मुझे लगता है गवर्नमेंट को उनको सुगेर करना चाहिए और इनको सिक्योरिटी देनी चाहिए।